Hello everyone, this is Knisha's Gallery and welcome to my channel. If you like this video, please subscribe कर देना, बहुत motivation मिलता है इससे. तो winter का मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि एक winter का ही scenario draw किया जाए. तो इसलिए मैं एक Christmas का scenarios draw कर रही हूँ. पहले यहाँ पे जो नाक पे गाजर होता है ना, वो वाला कार्टून है, उसको ड्रॉ कर रही हूँ. तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे छोटा सा मैंने एक आईज बना लिया. अभी इसका जो पैर से हम लोग आईज से बनाते वक्त जो हाथ एंड पैर लगाते हैं ना, जो पैर का डाल होता है वो तोड़ के लगाते हैं, तो इसलिए यही वही पैर का डाल के जैसा मैंने हैंड ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे एक आपको राउंड शेप करना है, उसका बॉडी में दो राउंड शेप होना चाहिए. मैंने एक बड़ा सा एंड एक छोटा सा राउंड शेप किया है और दो अनइवन होगा, क्योंकि ये ना बहुत मतलब हैप्पीली डांस कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो हेड है ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया. और ये डांस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पूरा जो तार है, लाइट वाला जो तार है, ये पूरा खुद पे ऐसे करके डांस कर रहा है, इसलिए मैंने ये डांसिंग फेस बना है. अब आते हैं हम स्नोमैन की तरफ. पहले बड़ा वाला गोल करेंगे, फिर छोटा वाला. नाक पे एक मैंने गाजर दे दिया. अब टोपी के बारी है, ये वाला टोपी कर दिए. अब यहाँ पे एक छोटा सा राउंड होगा, ये मैं कॉलर बना रही हूँ, क्योंकि उसको ठंडी लग जाएगी ना, तो इसलिए मैं कॉलर बना रही हूँ. अब आएगा छोटा सा राउंड शेप, ये पूरा नहीं करना, इसके ऊपर थोड़ा सा स्नो नीचे, ये एक्चुअली स्नो पे बैठा होता है, तो इसलिए नीचे स्नो दे दिया मैंने. हाथ तो हम लोग नहीं कर सकते, कोई पेड़ का जो डाल है वो तोड़ के ऐसे लगाते, तो इसीलिए ये कर दिए. पर पता है इसका फेस मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वो उससे पहले वाला जो स्नोमैन है वो पूरा खुद पे जो वायर है वो वाला ऐसे खुद पे ऐसे लिपटा के डांस कर रहा है ना, कभी भी शॉक लग सकता है या फिर कुछ, इसीलिए मैंने स्नोमैन को ना ऐसे शॉकिंग वाला फेस दिया. और अभी मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्रिसमस ट्री है पर इसके ऊपर बर्फ पड़ा हुआ है, तो ये नीचे वाला जो शेडिंग है ट्री का, ये उसका थोड़ा थोड़ा पत्ता दिख रहा है, और ऊपर में जो वाइट कलर का गोल गोल या फिर अनइवन शेप किया है ये वाला बर्फ है. इसका ना मैंने नीचे वाला जो कांडो बोलता है बंगाली में, पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें खड़ा रहता है, वो वाला मैंने नहीं किया. नीचे ये एक्चुअली बर्फ में है ना, बर्फ इतना गिरा कि पेड़ घुस गया अंदर, तो इसीलिए मैं नीचे इसका कोई डांडी नहीं किया. सॉरी, मेरा हिंदी बहुत खराब है. एंड इसके बाद आएंगे पीछे की तरफ. एक्चुअली ना इसके पास में एक और ट्री बनाना अच्छा होता है. ये वाला जो मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, ये करने से ना तो ज़्यादा खिलता है. एक और स्नो ट्री बनाऊंगी, इसमें स्नो ज़्यादा गिर गया, इसलिए जो बर्फ का क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा है. थोड़ा थोड़ा पत्ता दिख रहा है, ऐसे मैंने बनाया है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल. नीचे से और एक बर्फ, यहाँ पे छोटा सा बर्फ, थोड़ा थोड़ा पत्ता दिख रहा है. पास में ना थोड़ा थोड़ा पत्ता, एकदम ये देखने से ना वो क्यूट सा लगता है बहुत, इसलिए ना मैंने ये वाला दिया है. इसमें भी ना नीचे पेड़ का जो नीचे वाला जो डाल होता है, नीचे जिसमें खड़ा रहता है, उसको बंगाली में कांडो बोलता है, वो भी इसमें मैंने नहीं, ये छोटा वाला ट्री है.
अब आएगा पीछे का बैकग्राउंड में। पीछे नेचुरली पहाड़ करने से अच्छा होगा, या फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा पेड़ बना रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली विंटर में ना सब पत्ता गिर जाता है, इसीलिए मैंने कोई पत्ता नहीं किया, सिर्फ कांडो जो है ये वाला वो कर रही हूँ, पर इसमें कोई भी मैंने पत्ता नहीं दूंगी। पीछे एक्चुअली पहाड़ बनाने से अच्छा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा पेड़ देने में, मुझे लग रहा है ना पहाड़ बनाने में अच्छा लगेगा। एक बार ये वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद ना पहाड़ ही बनाऊंगी। पहले मैं पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए ना थोड़ा पेंसिल से ड्रॉ करने से थोड़ा बैकअप आ जाता है, तो ड्रॉ करने में आसानी होता है, क्योंकि एक बार स्केच पेन में अगर ड्रॉ किया तो खराब हो जाएगा इतना मेहनत। अब मैं स्केच पेन से पहले ये जो बर्फ़ है पहाड़ के ऊपर में ही तो बर्फ़ गिरता है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर में ही बर्फ़ दे दिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा बर्फ़, टोटल 3 जो पहाड़ है वो बना रही हूँ। ये ना बहुत क्यूट सा दिखता है, बचपन से मैं यही कहीं पे भी जाती हूँ तो यही ड्रॉ करती हूँ, ऐसा ही टाइप का। मुझे ये पहाड़ में ना बर्फ़ बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्यूट, कितना क्यूट सा लगता है। अब पेंसिल से ना थोड़ा शेडिंग करने से ना ये एक्चुअली रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा सा, तो पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग करने के बाद आप हाथ से भी इसको ब्लर कर सकते हो, या फिर जो पेंसिल का स्टैम्प है आप उससे भी कर सकते हो। ओह सॉरी, मैं यहाँ पे बटन बनाना भूल गई थी, उससे कर सकते हो। तो मैंने ये पेंसिल स्टैम्प लेके मैं ये थोड़ा ब्लर कर दे रही हूँ। अब जितना ब्लर करेंगे ना, जितना ही इसको ब्लर करेंगे उतना ही शेड अच्छा आएगा, रियलिस्टिक लगेगा। थोड़ा सा पाँव में एक्चुअली जहाँ जहाँ करना है ना मैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दे रही हूँ। उसके बाद ये जो ब्लर का चीज़ है मैं इससे थोड़ा सा ब्लर कर दे रही हूँ। वो आएगा गाजर वाला नोज़ जो ऑरेंज कलर का, इसलिए मैंने ऑरेंज स्केच पेन का यूज़ किया। इसका नोज पे मैंने गाजर दे दिया, और हमेशा की तरह क्रिसमस में सांता क्लॉस का टोपी रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने रेड कलर दिया। ये जो नीचे वाइट वाला है ना, गोल वाला, ये ना मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अच्छा लगेगा। ओ इसका नोज भी कलर करना मैं भूल गई थी। इसका टोपी सिर्फ मैं ये वाला ब्लैक कलर करूँगी जो बहुत स्टाइलिश लगेगा, और इसके ऊपर में छोटा सा जो राउंड कलर है, राउंड है, मैं उसमें थोड़ा सा करूँगी, पर बीच में थोड़ा सा छोड़ दूँगी, दिखने में अच्छा लगेगा। देखो ना कितना क्यूट सा लग रहा है ना। अब शेडिंग के लिए मैंने थोड़ा पेंसिल का यूज़ करके उसके बाद ब्लर से मैंने ये ब्लर कर दिया। एक्चुअली ना अभी तो विंटर का मौसम है ना, तो ऊपर से अगर बारिश होगा तो बर्फ़ का ही होगा, तो ऊपर से बर्फ़ देने में ना देने से ना ज़्यादा सुंदर लगेगा। एक्चुअली मैं ये रबर से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे ना वो पेंसिल का जो है पहले बैलेंस करने के लिए जो मैं ड्रॉ करती हूँ वो वाला रह गया, तो वो दिखने में ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहाड़ में मैंने पहले ये वाला पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करके कर रही हूँ। अभी जो शेडर है मैं उससे थोड़ा सा शेड कर दूँगी तो दिखने में अच्छा लगेगा। बर्फ़ के नीचे ना एक्चुअली थोड़ा डार्क रहता है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं जाता अगर सुबह के टाइम हो, तो मैंने इसीलिए उसके अंडर में ही थोड़ा सा ब्लैक कलर किया है। हाँ तो अभी आया लाइटिंग का पारी। जो ये पहले वाला स्नोमैन है ना, वो इतना खुश क्यों है, क्योंकि वो जो किसी के घर में
बाहर में लाइटिंग किया था, ये वहां से ना एक तोड़ के लाया, तोड़ तोड़ के लाके पूरा अपने में ऐसे ना लिपटा लिया, तो इसीलिए इतना ये खुश है एक्चुअली। तो ये वही लाइटिंग का बारी है, मुझे नहीं एक्चुअली करने में बहुत मज़ा आता है ऐसा वाला एक्सप्रेशन। ये इसका एक्सप्रेशन देख के स्नोमैन का एक्सप्रेशन बहुत भयानक हो गया, ये बहुत डर रहा है कि कहीं इसको शौक ना लग जाए। मैं ये हैंड में जो है ब्राउन कलर कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो हैंड कैसे बनाते हैं, इसका हैंड जो पेड़ का जो सूखा वाला पेड़ है उसका डाल है वो तोड़ के ही तो ऐसे लगाते ना, तो इसलिए उसका डाल ही है। अब कहीं कहीं मैं होल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग कहीं कहीं पे अगर दौड़ा होगा तो वहाँ पे ना गड्ढा हो जाता है। अब आता है स्नो कबड्डी, ये मैंने गोल गोल कर रही हूँ कि जो स्नो है वो ऐसे करके गिर रहा है, तो ये बहुत खुश है। एक तो स्नो गिर रहा है, ऊपर से ये लाइटिंग ऐसे पूरा लिपटा के आ रहा है ना, तो ये खुशी इसका दुगना हो गया। इसलिए एक्चुअली मैंने स्नो का ऐसे ड्राइंग किया। कंगे में ना बर्फ़ को थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने के लिए मैंने ये बर्फ़ का थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ टाइप का कर दे रही हूँ, तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू।